सो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले ईसीएस का जो मैच है कल उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। एक तो आपको स्टैट्स मिलने वाली है, दूसरी है कि कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन मिलने वाली है, और तीसरी जो है वो आपको लास्ट मैच का स्कोर भी मैं आपको एक ही स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देख सकते हो टेलीग्राम चैनल हमारा है और वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं ना कहीं आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि टेलीग्राम पे आपको फाइनल टीम भी मिलेंगे और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कुछ ऐसा भी प्लेयर होते हैं जो कि लास्ट मैच नहीं खेले और इस मैच पे खेल सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए हम बात करेंगे। सो आज का जो ये मैच होगा वो एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ मैच को कवर करने वाले। सो इस वीडियो में आपको दोनों मैच कवर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे स्टैट्स की। स्टैट्स दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों टीमों में से यहाँ पे जो मैच होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बर्लिन लायंस वर्सेस बर्लिन सीसी, इनमें से कौन सा टीम ये है जो स्ट्रांग टीम है, कौन सा वीक टीम है, कौन सा टीम जीत सकते हैं, वो सारी चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, बर्लिन सीसी का जो टीम है काफ़ी अच्छे है, उनका बैटिंग ऑर्डर, उनका बॉलिंग ऑर्डर, ओवरऑल बहुत अच्छी टीम है। अगर हम बात करें बर्लिन लायंस की, तो उनका जो बॉलिंग ऑर्डर है वो तो ठीक ठाक है, बट बैटिंग ऑर्डर में बैट्समैन की काफ़ी कमी है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसा है जो कि लास्ट मैच नहीं खेले हैं और अगर उनको टीम पे मौका मिल जाए तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं बर्लिन लायंस, जो कि आपको बता दूं मैं बर्लिन लायंस की जो टीम है थोड़ा सा ये जो दोनों में से अगर देखा जाए थोड़ा सा वीक है। जीतने के चांसेस जो है 10% रहेंगे, बाकी ओपोनेंट की जो है 90% रहेंगे। यहाँ पे जो लास्ट मैच पे खेले हैं, पहले हम उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर है जो लास्ट मैच पे खेले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्लिन लायंस की जो लास्ट दो मैच का जो स्कोर रहा है, एक्चुअली बैटिंग में सिर्फ इंडिका जो कि 54 and 11 रन दोनों मैच मिला के बनाए हैं, उन्होंने टोटल 65 रन दोस्तों। बाकी अगर देखा जाए तो कोई भी डबल डिजिट में रन नहीं बना पाए। बाकी ओवरऑल बॉलिंग की बात करें तो ठीक ठाक है। उस स्थिति में ये जो टीम है काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा हमारे लिए, खेलने के लिए भी अच्छा रहेगा अगर लायंस पहले बॉलिंग करे, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा ना, इनका जो बॉलर्स है या फिर इनका जो ऑलराउंडर है उनको पॉइंट्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। और अगर बैट्समैन की बात करें तो हो सकता है कि ये टीम अंडर 50 ऑल आउट हो जाए, क्योंकि इनके पास बैट्समैन की कमी है। यहाँ पे इनके लिए बैट्समैन की बात करें इंडिका, उसके साथ इमरान जो कि ओपनिंग करेंगे, इमरान भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, उनकी स्टैट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले बता दूँ कि वो ऑलराउंडर एज ए ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे। अगर ये लायन टीम जो है पहले बॉलिंग करते उस स्थिति में कहीं ना कहीं इमरान कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन बन सकता है। फुल ओवर बॉलिंग प्लस ओपनिंग में बैटिंग कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आरुमा दूरा जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर आप कह सकते हो, एक्चुअली ये बॉलिंग करते बट टीम पे बैट्समैन की कमी है और उस वजह से ये इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डाउन कभी भी हो सकता है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी चेंजेस हो सकता है और वो इसीलिए क्योंकि बैट्समैन की लाइनअप में थोड़ी सी कमी है। और यहाँ पर देख सकते हो गनिंदु जो कि दोनों मैच पे 4 ओवर बॉलिंग भी डाली है और दोनों मैच पे इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, एक में फर्स्ट डाउन बैटिंग की और दूसरे में जो इनका बैटिंग ऑर्डर था थर्ड डाउन। कहीं ना कहीं बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों जगह से आपको पॉइंट मिल सकती है। उसके बाद है डेविन जो कि लास्ट मैच के लिए दोनों मैच मिला के 3 रन बनाए, बॉलिंग्स नहीं किए। नुमान है, नुमान की बात किया जाए दोनों मैच मिला के 4 ओवर बॉलिंग डाली है और इन्होंने 64 रन 1 विकेट्स लिए दोनों मैच मिला के। उसके बाद बात करें दुलीप जो कि दोनों मैच मिला के 4 ओवर बॉलिंग डाले और साथ में 2 विकेट्स भी लिए। प्लेयर अच्छे हैं, ऑलराउंडर है। एक मैच पे इन्होंने इनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो काफ़ी नीचे थे और दूसरे मैच पे इनको सेकंड डाउन पे बैटिंग करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद है खलीद, खलीद की भी बात करें तो पूरा ओवर बॉलिंग डाला है और 3 विकेट्स लिए। बाकी जो है लक्सन पेरेरा और ये सतीश है, हिलाल है, ये सारे प्लेयर्स को बॉलिंग पे या बैटिंग पे कुछ भी परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखा है। कहीं ना कहीं अगर ये सेम टीम के साथ खेलते हैं तो इंडिका, इमरान, गनिंदु, उसके बाद दुलीप, नुमान, ये सारे कुछ ऑप्शन हैं जिनको आप अपनी टीम के लिए पिक कर सकते हो। बाकी को आप आंख बंद करके छोड़ देना। एक ऑप्शन है ग्रैंडली के लिए सिर्फ, वो है हिलाल अकीफ जो कि लास्ट में है। आप देखो दोनों मैच पे इन्होंने कुछ नहीं किया है, ना बॉलिंग ना बैटिंग, लेकिन इनका स्टैट्स मुझे काफ़ी अच्छा मिला। उस वजह से ग्रैंड लीग की टीम पे आप जरूर ट्राई करना। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नहीं, सिर्फ टीम पे रखना है, बस उतना ही काफ़ी है। अगर ये प्लेयर एक भी विकेट्स लेते या कुछ रन बना सकते तो कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज क्रिएट करेंगे।
तो चलिए देखेंगे कि क्या है स्टैट्स। तो पहले हम बात कर लेंगे अकीब के बारे में, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हो हिलाल अकीब जो है उनका परफॉर्मेंस 5 मैच 35 रन 5 विकेट। सो ये बैटिंग पे भी रन बना सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि फर्स्ट मैच पे इनको बॉलिंग नहीं मिली क्योंकि क्लब क्रिकेट जैसा है और यहाँ पे कभी भी किसी को भी बॉलिंग पे प्रमोट किया जाता है या बैटिंग पे भी प्रमोट किया जाता है। और उस स्थिति में अगर हिलाल को एक ओवर भी बॉलिंग मिले मान के चलो और एक विकेट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका टीम है काफ़ी इम्प्रूव्ड आपका टीम बन जाएंगे, आप ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बट भाई उस स्थिति में आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये मतलब बॉलिंग या बैटिंग ना मिले तो हो सके कि आप हार जाओ, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको ये रिस्क तो ले ही सकते हो आप। सो चलिए बाकी कौन कौन सा प्लेयर है यहाँ पे। गनिंदो है 15 मैच पे 42 रन 23 ओवर 10 ओवर बॉलिंग डाला है, प्लेयर अच्छे हैं और कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए आप कॉमन पिक मान के चलो। उसके बाद है चमेली जो कि एक अच्छे प्लेयर है, 19 मैच खेला 169 रन 5 ओवर बॉलिंग 1 विकेट्स लिए, लेकिन इनका क्लब T20 में 28 मैच पे 28 विकेट है 405 रन है। सो कहीं ना कहीं टीम पे ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, और अगर ये प्लेयर खेलते हैं चमेलिया जो कि एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अपनी टीम के लिए अपनी पिक करने के लिए, नहीं मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए साइड प्लेयर आपको पिक करनी है। उसके बाद है नुमान, 12 मैच पे 16 ओवर बॉलिंग डालते हुए 11 विकेट्स लिए, लेकिन भाई 2-4 ओवर में जो मार पड़ी है इनको 62-64 रन पड़ी थी लास्ट दोनों मैच पे, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डाउट है। आप चाहो तो इनको सेफ पिक के लिए रख सकते हो। इंडिका है, अच्छे प्लेयर है, इस टीम की एक अच्छे बैट्समैन है, फर्स्ट मैच पे इन्होंने बहुत ही अच्छे इनिंग्स खेली है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एजेड है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद है विनय, 7 मैच पे 57 रन 11 मैच पे 163 रन इनका जो है परफॉर्मेंस है। उसके बाद ए बी खजीदेश जो कि 7 मैच पे 79 रन 5 ओवर 2 विकेट्स लिए है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते, हो सकता है अगर ये प्लेयर खेले तो इनको बॉलिंग पे भी मौका मिलेगा क्योंकि टीम के पास ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। सो उस स्थिति में आप देख लो क्लब T20 में इन्होंने 8 मैच पे 79 रन 5 ओवर बॉलिंग भी की है। उसके बाद है दोस्तों दी वलुइस जो कि 6 मैच पे 22 रन बनाए, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, जो भी प्लेयर को मार्क नहीं किया गया है जैसे कि स्टेफिनी श्रीवर्धना जो कि 6 मैच पे 5 ओवर डाल के 1 विकेट्स लिए, जो प्लेयर्स को मार्क नहीं किया गया वो उनका स्टैट्स कुछ खास मिली नहीं है। इमरान मोहम्मद है एक अच्छे प्लेयर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 5 मैच खेले हैं इन्होंने, 71 रन 7 ओवर 6 विकेट्स इनके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है। सो इसमें इस ईयर भी काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, पूरा ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। दुलीफ है, 2 मैच पे 3 ओवर 2 विकेट्स मिली थी लास्ट ईयर, 22 मैच 158 रन 6 विकेट्स। सो इनके पास बैटिंग की कमी है, उस स्थिति में दुलीप जो है बैटिंग ऑर्डर में टॉप ऑर्डर में पिक किया जा रहा है इनको। उसके बाद नीचे चलेंगे दोस्तों हिलाल अकीब जो कि दोनों मैच खेले हैं लेकिन परफॉर्मेंस करने की मौका नहीं दिए, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, सो ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हो। मनजीत पवार है जो कि टीम के लिए ओपनिंग करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये प्लेयर खेलने वाले, और अगर मनजीत खेलते हैं तो अपनी टीम के लिए एक अच्छे बैट्समैन पिक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों है रविंदु है 3 मैच पे 3 रन, यहाँ पे ससित जो कि 2 मैच पे कोई भी बैटिंग नहीं की है इन्होंने, और वैसा ही हुआ है लास्ट 2 मैच पे भी इन्होंने बैटिंग या बॉलिंग नहीं की है। उसके बाद है दोस्तों पेरेरा, 7 मैच पे 21 रन बनाया, लास्ट दोनों मैच पे इनको बैटिंग या बॉलिंग पे मौका नहीं मिला है। बात करेंगे ओपोनेंट की, क्योंकि ओपोनेंट का टीम शानदार है और काफ़ी सारे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, कुछ ऐसे भी ऑप्शन है जो कि इस मैच पे खेले नहीं है। सो होपफुली आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपको जैसे कि यहाँ पे जॉर्डन है और टॉम है, ये सारे जो कि नहीं खेले थे लास्ट मैच, वो सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों बर्लिन सीसी के लिए पहले तो हम देख लेते हैं कि लास्ट मैच का क्या स्टेटस है। यहाँ पे बर्लिन सीसी 1 मैच हारा है, फर्स्ट मैच जो है जीते हैं, सेकंड मैच हार चुके हैं, लेकिन उनकी जो टीम है काफ़ी बढ़िया है और दोनों में से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये टीम जीतने वाला है। सद्दम गिल है, सगर है, उसके बाद साहिल लाल है, जतिंदर वशिष्ठ है, अवैस जाफर, करण सिंह, ये सारे जो कि इनका बैटिंग ऑर्डर होने वाला है। भाई सद्दम गिल काफ़ी अच्छे पावर हिटर बैट्समैन है, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, फर्स्ट मैच पे 3 विकेट, सेकंड मैच पे उनको विकेट्स नहीं मिली, टीम की ओवरऑल रन कम था और इसकी वजह से टीम जो है 6 ओवर 7 ओवर रनिंग चल रहा था उसी टाइम में टीम हार गया था। सो कहीं ना कहीं सद्दम गिल एक अच्छे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए, बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद है सागर एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत अच्छे है सागर कटारिया। उसके बाद दोस्तों है साहिल लाल जो कि दोनों मैच पे आप देख सकते हो 2 रन और 21 रन बनाए हैं,
साहिल लाल की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि बहुत स्लो खेल रहा था और कुछ अच्छे शॉट भी नहीं लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं होते तो उस स्थिति में साहिल लाल को एज ए बैट्समैन पिक कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट मैच पे इनके बैटिंग सेक्शन पे दो ही प्लेयर था, तो ऐसा हो सकता है और उस स्थिति में आपको पिक करना पड़ सकता है। उसके बाद है जतिंदर। दोस्तों ऑलराउंडर में है जतिंदर की बात किया जाए, दोनों मैच पे 20 रन बनाए, एक ओवर पे 20 रन भी दे दिया, तो दोनों मैच का एक ही ओवर पे उन्होंने रन दे दिया उतना। लेकिन बात यह है कि इनका जो परफॉर्मेंस है ऐसे 10 ओवर का गेम पे जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन T20 में इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास मुझे देखने को नहीं मिला। सो हो सकता है पार्ट टाइम बॉलिंग मिल जाए और मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग मिल जाए। उसके बाद अवैस जफर है, 22 रन बनाए फर्स्ट मैच पे, सेकंड मैच पे 2 रन बनाए, दोनों मैच मिला कि इन्होंने 3 ओवर बॉलिंग डालते, बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे थे, हालांकि विकेट्स नहीं मिली है सेकंड मैच पे, बट अच्छे बॉलर है। करण सिंह है जो कि फर्स्ट मैच पे 2 ओवर में 2 विकेट्स ली थी, लेकिन सेकंड मैच पे 6 रन बनाए, उनको बॉलिंग नहीं दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निक है जो कि दोनों मैच पे बॉलिंग भी की है और बैटिंग जो है इनका पावर हिटर बैट्समैन के लिए ये खेलते हैं टीम के लिए, 4 ओवर बॉलिंग करने वाले हैं, सो एक अच्छे पिक होंगे। ऑब्वियसली कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ओपोनेंट थोड़ा सा वीक है और बैटिंग मतलब ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ इमरान बुखारी जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन है एज ए बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर है, इस टीम की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, हाइस्ट विकेट टेकर बॉलर है। मनीष तिवारी पहला मैच खेले हैं, सेकंड मैच पे नहीं खेले, उनकी जगह पे त्रिवेदी को चांस दिया गया था। पहला मैच पे उन्होंने 2 ओवर में 1 विकेट्स ली है, सेकंड मैच पे तो उन्होंने खेले नहीं है, और त्रिवेदी जो कि अच्छे बॉलर है उनको सेकंड मैच पे बॉलिंग नहीं दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टैट्स है। सद्दम गिल बहुत अच्छे ज़बरदस्त प्लेयर है, 13 मैच पे 68 रन, 9 ओवर, 8 विकेट्स। इनका जो क्लब T20 है बहुत बढ़िया है, 29 मैच पे 678 रन, 26 विकेट। करण सिंह 13 मैच पे 12 विकेट्स लिए, एक्चुअली बॉलर ही है लेकिन थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, जैसे कि आप क्लब T20 में देख सकते हो, 23 मैच पे 161 रन, 23 विकेट लिए। अवैस जफर ने 11 मैच 45 रन, 9 विकेट्स लिए, पूरा ओवर बॉलिंग करते हुए, क्लब T20 इनका बहुत बढ़िया रहा है, 28 मैच पे 225 रन, 28 विकेट लिए। इमरान है 9 मैच पे 9 विकेट्स मिली हैं इनको T10 में। मनीष तिवारी है जिन्होंने पार्ट टाइम बॉलिंग करते आए हैं और लास्ट मैच इनको फुल टाइम बॉलिंग दिया गया था, हालांकि एक्चुअली 9 मैच 36 रन 1 ओवर इनको बॉलिंग मिली है लास्ट ईयर, और इस बार फर्स्ट मैच में इनको पूरा ओवर बॉलिंग करते हुए नजर आया। उसके बाद दोस्तों है अभिलाष, 9 मैच 44 रन, साहिल लाल है 9 मैच 94 रन, फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हैं, और अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं होता है तो साहिल लाल को पिक करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों निक, 7 मैच 100 रन, 13 ओवर, 11 विकेट, पूरा ओवर बॉलिंग कर लेते हैं निक की, और कहीं ना कहीं एज ए पावर हिटर बैट्समैन लोअर ऑर्डर में अच्छे रन भी बना सकते हैं। लास्ट ईयर में इनका कुछ एक मैच में 46 का इनिंग्स भी बनाई थी। सागर है ओपनिंग करते हैं, 14 मैच पे 257 रन, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है इस टीम की, आप मान के चलो कि ये टीम की सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है सागर, लेकिन बॉलिंग नहीं करने वाले। उसके बाद दोस्तों ये इवन आता अहमद, जैसे कि मैंने वीडियो पे बोला था कि आता अहमद अच्छा नहीं चलने वाला है, वैसा ही हुआ है, ना तो बॉलिंग ना तो बैटिंग मिली है उनको लास्ट दोनों मैच पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ प्लेयर जिनके सामने आप देख सकते हो स्टार मार्क करके मैंने रखा है, और वो है अक्षय गिरिधर जो कि 6 मैच पे 9 विकेट्स लिए, प्लेयर ओब्वियसली अच्छे रहेंगे अगर ये खेलते हैं तो। दूसरा है जॉर्डन जो कि 1 मैच पे 2 विकेट्स लिए, 17 रन लगाए है, बैटिंग ऑर्डर पे भी इनको प्रमोट किया जाता है। तीसरा प्लेयर है दोस्तों टॉम लॉन्ग जो कि 6 मैच पे 107 रन, 6 विकेट्स लिए। सो कहीं ना कहीं ये 3 प्लेयर जो अगर खेलते हैं तो आप ज़रूर नज़र रखना। बाकी जो है त्रिवेदी 5 मैच पे 4 विकेट्स लिए, लास्ट मैच पे चांस तो मिली थी बट इनको बॉलिंग पे मौका नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या टीम होना चाहिए इस मैच के लिए। भाई एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फाइनल टीम प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारी टीम है जहाँ पे गिल कैप्टन है, इमरान वाइस कैप्टन है, हालांकि यहाँ से कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्लेयर ना खेले, ऐसा भी हो सकता है कि इनसे भी कुछ बेहतर प्लेयर खेले, सो स्थिति में आपको टीम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगले वीडियो पर मिलते हैं।